दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसा गैजेट बनाने वाला है जो आपके काम आने वाला है और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और देखते हैं कि ये मशीन कौन सा है जो हमारा एक काम आसान करने वाली है। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन दोस्तों वो जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिए। दोस्तों वीडियो जो है मैं आपके लिए तो बनाता हूँ और हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं वो भी मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा गैजेट है जो हमारा एक काम आसान करने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। और दोस्तों दो पीस में जो है इसके जो है दो पार्ट जो है वो हमने रेडी किए हैं। दोस्तों ये जो है दोस्तों प्रोजेक्ट है, इसमें हमने एक वुड की प्लेट को लेकर उस पर दो छोटे छोटे वुड के पीस को लगाकर आगे एक गियर मोटर को जो है सेट कर दिया है। दोस्तों ये जो मोटर है DC 12 वोल्ट 60 RPM की है और दोस्तों बहुत ही कमाल की मोटर है। दोस्तों एक जो है 12 वोल्ट की बैटरी को लेकर एक स्विच को लगा दिया है और इस मोटर के आगे जो है दोस्तों एक चाकू को भी लगाया है। दोस्तों इस चाकू पर जो है एक ब्लेड को लगाया है और दोस्तों जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है मशीन घूमने लगती है और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मशीन काम कर रहा है। दोस्तों इसे मैं ऑफ कर देता हूं और ये वाला जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में बता। दोस्तों ये जो है ये एक वुड की प्लेट है और आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने एक सेटअप रेडी किया है और ये एक PVC का पाइप है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसे हमें इस वाले प्रोजेक्ट पर रखना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे जो है इस तरह से रखा जाता है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये सब्जियाँ काटने में काम आता है और इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, आप कहीं भी मत दौड़िएगा। दोस्तों देखिए इसे इस तरह से कुछ रखा जाता है और ये जो है दोस्तों इसके टच हो रहा है, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि इसके जो है ये टच हो रहा है, हमें इसको थोड़ा ऐसे ऊपर लेना पड़ेगा। दोस्तों हमें जो है सबसे पहले ये जो छोटा वाला वुड का पीस है इसे दोस्तों हमें इसके नीचे बीच में मतलब रखना पड़ेगा। दोस्तों इसको जो है मैंने सेट कर लिया है और दोस्तों आप देख सकते हो कि अब मैं इसे ऑन करता हूं और दोस्तों मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हो कि ये इस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मशीन जो है वो कुछ इस टाइप से काम करेगी और इसके अंदर जो है दोस्तों हम सब्जी को डालने वाले हैं। इसमें हम प्याज ककड़ी लौकी वगैरह अलग अलग जो लंबी सब्जियां होती है उन्हें काट सकते हैं। दोस्तों अगर हमें आलू टमाटर और दोस्तों इसके अंदर जो है जो नहीं जा पाएंगे उनको जो है हम इसको हटा कर यहां से डायरेक्टली काट सकते हैं और ककड़ी वगैरह जो मूली गाजर जो होते हैं उन्हें हम यहाँ से जो है डाल कर काट सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या ये सब्जी को काट पाता है या नहीं काट पाता है। तो दोस्तों चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जो है कुछ प्याज को जो है दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है और दोस्तों अब मैं इस मशीन को ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से काम कर रही है। दोस्तों मैंने जो है इसको पहले से ही टेस्ट कर लिया है और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ और ऐसे मैं हाथ में पकड़ कर इसे नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो जाएगा। दोस्तों प्याज को जो है हम इसे डाल देते हैं और अब मैं मशीन को ऑन कर रहा हूँ और नीचे हम एक प्लेट को रख देते हैं ताकि इसके जो पीस है वो प्लेट में आ सके। तो दोस्तों इसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारी मशीन है और यहाँ से जो है दोस्तों मैंने प्याज को अंदर लगा दिया है। दोस्तों इसे मैं फिर से लगा देता हूँ और आप देख सकते हो कि नीचे जो है प्याज आ गया है। दोस्तों अब हम मशीन को ऑन करते हैं। दोस्तों स्विच मैं ऑन करता हूँ और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये काट रहा है। दोस्तों इसके प्याज को जो है दोस्तों इसे ऊपर से ऐसे रखना पड़ेगा तभी जो है दोस्तों ये वर्क करेगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि प्याज जो है वो कटना स्टार्ट हो गया है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन काम कर रही है।
दोस्तों ये मशीन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है और आपने देखा कि ये किस तरह से सब्जियां को काट रही थी। दोस्तों ये मोटर जो है ये 60 RPM की है, इसलिए जो है ये जो है दोस्तों धीरे धीरे घूम रही है। दोस्तों अगर हम इसका RPM बढ़ा दें तो ये जो चाकू है इसके घूमने की जो तेज़ी है वो बढ़ जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।